आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड गुलाब जामुन। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एकदम गुलाब जामुन बाजार जैसे बनेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 6 पीस ब्रेड लिए हमने, वाइट ब्रेड ली है, थोड़ा सा घी, मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून लेंगे, नारियल का बूरा है आधी कटोरी और इलायची का पाउडर है थोड़ा सा, चीनी 1 कटोरी भर के, पानी शुगर सिर्फ बनाने के लिए, और थोड़ा सा दूध जितनी ज़रूरत होगी उतना लेंगे। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें जो ये ब्रेड है इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लें सारी ब्रेड के। आप ब्रेड के हमने छोटे छोटे टुकड़े करके इसको थोड़ा सा हाथ से मसल लिया है, इस तरह इसका पाउडर सा बन जाएगा। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है, और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और इसको अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटे की तरह डो बनाएंगे। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और एक डो बना लें आटे की तरह। ब्रेड का डो बन चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा गुलाब जामुन का डो तैयार है। इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाला, ये दूध सारा बच गया हमारा, जितना दूध लगे उतना ही डालें, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, घी या तेल कुछ भी लगा सकते हो, हाथ को चिकना कर लें, और इसके हम गोले बनाएंगे छोटे छोटे। हम गुलाब जामुन इतने साइज़ के आप बना लें, आपकी मर्जी है छोटे बनाएं बड़े बनाएं, इस तरह से हम बना के रख लेंगे। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल गर्म होने रखेंगे हम गुलाब जामुन तलने के लिए, और दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई में हम चाशनी बना लेंगे गुलाब जामुन के लिए। 1 कटोरी चीनी इसमें डाल दें और 1 कटोरी पानी डाल दें और इसका शुगर सिर्फ बनने देंगे हम। इसको इस तरह से हिला दें अच्छे से, इसका गाढ़ा गाढ़ा शुगर सिर्फ बनाएंगे हम। ये हमने 6 पीस ब्रेड के लिए थे, उससे हमारे 10 गुलाब जामुन बने हैं। अब इसको हम तलेंगे, इसको अच्छी तरह से डीप फ्राई करना है। चाशनी हमारी हो चुकी है, 1 तार की चाशनी बन गई है। इसमें हमने पहले भी बताया था इस तरह से गिराएं, ये तार बन के गिरे तो ये समझो हो गई है, या हाथ में देख ले चिप चिप हो, हाथ में तार बनती है तो उस तरह से भी हो जाती है। अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसमें डाल देंगे ये गुलाब जामुन जो हमने तल के रखे थे, एक एक करके इनको छोड़ दे। और इसको थोड़ा सा हिलाएं और 1 मिनट तक हमने उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालेंगे इसको, इस तरह से हिला के इसको 1 मिनट उबालेंगे। ये हमने गैस में 1 मिनट तक इसको उबाला था, उसके बाद 10 मिनट तक चाशनी में ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब इसको हम निकाल लेंगे। हमारे ब्रेड गुलाब जामुन खाने के लिए तैयार हैं। ये आधे हमने नारियल के बुरादे में लपेट लिए हैं और आधे वैसे ही छोड़ दिए हैं। आप जैसे मर्जी चाहो, अगर चाहो तो सारे ही नारियल के बुरादे में लपेट सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।